हेलो बच्चों, देखिए डेली हम गुड इवनिंग करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, नमस्ते करते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर आज जय हिंद। कल 26 जनवरी है, आप जानते ही है हमारा गणतंत्र दिवस। 3:15 बजे भी मैंने आपसे बातें की थी, खूब मजा आया था आपसे बातचीत करके। और आज अब हमें क्वेश्चन करने हैं केमिस्ट्री के, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये तो करना ही पड़ेगा भाई। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि कल जो मोबाइल एप्लीकेशन में जो क्लासेस होती हैं वो इंटरप्ट हो सकती हैं, क्योंकि दिल्ली में जो है ना पूरा ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। एक तो गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के बहुत इंतजाम होने की वजह से मोस्टली 2 बजे से पहले का तो पूरा सब कुछ ब्लॉक होता ही है, और ऊपर से भाई आपको पता है दिल्ली में किसान रैली को लेकर के, तो सुबह आपके मोबाइल एप्लीकेशन में क्लासेस नहीं चलेंगी। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आप जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, आप सबका मैं वेलकम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं आपका नाम लेकर के कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, पीछे रीजन है उसके, कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं हमारा तिरंगा। बच्चों बताओ जरा, जो तिरंगा है इसके बीच में जो अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया है, और अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है, कितनी लाइन्स होती हैं, हमसे पूछा गया था हमारे SSC के एग्जाम में, हमने दिया था। खैर मैंने वो एग्जाम क्रैक किया था, और कितनी तिल्लियाँ होती है इसमें आप बताएंगे, मैं बता देता हूँ, 24 होती हैं, है ना। अशोक स्तंभ जो वाराणसी में है वहां से तिरंगे जिस तरीके से लहरा रहा है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत लोगों के बलिदान इसके पीछे छिपे हुए हैं। बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, शहादत दी है उन्होंने, तब जाकर के भारत इतना बड़ा देश हो, एक साथ हम आजादी, और सबसे बड़ी आजादी है विरोध दर्ज करने की। हमारे मौलिक अधिकार तो है ही, मौलिक कर्तव्य कहीं नहीं है, ये हम भूल जाते हैं। मौलिक अधिकार तो चाहिए, मौलिक कर्तव्य हम निभाएंगे कि नहीं अलग मैटर है, बट हम विरोध तो जरूर दर्ज करा सकते हैं, खुले में करा सकते हैं, एकदम बढ़िया से करा सकते हैं, है ना। चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए, तभी जाकर के सरकार ठीक से काम करेगी। ये बातें चलती रहेंगी, और कुछ क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ठीक है, बीच बीच में बात कर लेंगे आपसे। आज मैं किसी एक चैप्टर के क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हूँ, जैसे होता था ना आज ये लेकर के, तो आज मेरा दिल किया यार नहीं, मैं भी तो आज़ाद हूँ, मैं भी स्वतंत्र भारत में हूँ, क्यों मैं एक रूल को फॉलो करूँ, अपने बनाए हुए रूल को आज मैं तोड़ करके। लेकिन तोड़ने के पीछे वजह यह है कि आपकी रिक्वेस्ट आई है, नेम रिएक्शन। आज मैं इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन आपको कराने वाला हूँ, टाइटल आपने देख लिया होगा ऑर्गेनिक की, उन पर डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी जल्दी में, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो हम काफ़ी कवर कर लेंगे। तो तिरंगे को सैल्यूट करते हैं और अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट आप जो है अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और हम नेम रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेम रिएक्शन का मतलब है इधर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, या किसी प्रोडक्ट के नाम पर है, या रिएक्टेंट के नाम पर है, उनमें 2-4 चीज़ें आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी, वो आपको रटनी पड़ेंगी, एंड दैट इज अ मस्ट कि उसमें रिएक्टेंट क्या होता है किस रिएक्शन में। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। आप अपने कमेंट लिखते जाएं, यूं ही मुझे कमेंट दिख रहे हैं, लेकिन मैं आज बिल्कुल भी आपका नाम नहीं लूंगा। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग और हैप्पी रिपब्लिक डे आप सब कह रहे हैं, 72वां गणतंत्र दिवस, शुभकामनाएं मैं फिर देता हूं आपको। आप आज आपको आंसर भी नहीं देने हैं कि मैं वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आज मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको। जो नए बच्चे साथ में जुड़े हैं भाई, वो एक काम वो मैं जरूर बोल देता हूँ, लाइक वाला बटन आपको बार बार बोलना पड़ता है, उसको दबाएं, वीडियो को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब अगर आज तक नहीं किया है वो कर लें। आपके लिए भाई मोटिवेशनल लेकर के आते हैं, आपको लाइव देते हैं ना, तो इतना तो सहयोग आप कर दीजिए कि बस ये काम आप फटाफट कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप बच्चों ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको फ्री में PDF मिलेंगे, और नीट का कोर्स चल रहा है। एक और इन्फॉर्मेशन ही दे दूँ कि 26 जनवरी को हो सकता है कि आपकी खैर वो चलो बाद में करेंगे। नेम रिएक्शन आप हेडिंग डाल दें, नेम रिएक्शन, नाम अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं इनको, नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन क्या है, जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर है, जैसे कि बहुत सिंपल से ले लेता हूं जो आपको पता है पहले, ताकि आप परेशान ना हो। WURTZ वुड्स रिएक्शन, नंबर डालते जाएंगे, बहुत तेजी से कंप्लीट कर रहा हूं भाई मैं। वुड्स रिएक्शन में बेटा क्या होता है, इसमें होता है एल्काइल हैलाइड, है ना, इसके 2 मोल आप लेते हैं एल्काइल हैलाइड के, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करता है ये, और एल्केन बनाता है। ये खास बात है इसकी कि जो एल्केन बनेगा
उसके अंदर जो कार्बन होंगे वो इवन नंबर वाले होते हैं, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में काम किया जाता है। सवाल ये हो सकता है ड्राई ईथर क्यों लिया? बेटा सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी से मॉइस्चर कैच करके वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। सो वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट सोडियम मेटल फ्रॉम द मॉइस्चर, हम इसको बचाना चाहते हैं, इसको सेफ रखना चाहते हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट। एंड द सेकेंड थिंग, वी कॉन्ट प्रिपेयर ओड नंबर कार्बन वाली जो एल्केन है वो नहीं बना सकते, यानी कि मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन वो नहीं बन सकते इसमें। सेकेंड, उसके बाद में बेटा वुड्स के बाद में फिटिंग रिएक्शन ले लेते हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, सेम रिएक्शन मैं लूंगा लेकिन मैं यहां पर R डैश कर देता हूं, R डैश X प्लस 2Na प्लस X R डैश, तो आपको पता ही R डैश यहां पर बनेगा प्लस 2NaCl। तो R डैश का मतलब क्या है, R डैश का मतलब बेंजीन है। R क्या है, R हो सकता है CH3, R हो सकता है बेटा C2H5, और जो R डैश है इसका मतलब है बेंजीन। तो दो बेंजीन साथ में मिलेंगे बेटा, बाइफिनाइल प्रोडक्ट बनेगा यहां पर ये वाला, जल्दी से नोट कर ले, बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होंगे चूंकि यहाँ पर सोडियम मेटल लिया गया है, और मेटल का, सोडियम का आपको पता है एक बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ था, मैंने कहा सोडियम को बेटा मत छेड़ना, और हाय इंडियन बच्चे जिस चीज़ को कह दें इसको मत छेड़ना तो उसमें तो राज छिपा होता है, मज़ा ही वहीं आता है छेड़ने में। और उस बच्चे ने सोचा यार, मैंने उनको दिखाया ये सोडियम पीस है ऐसे गेहूँ के दाने के जितना, तोड़ा पानी में डाल दिया, आग लग गई। अरे भाई ये तो पानी में आग लगाने वाली चीज़, सर जी कह रहे हैं मत छेड़ना इसको, तो घर जाके मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को दिखाऊंगा, मम्मी को दिखाऊंगा, बहन को दिखाऊंगा आग लगा के, पानी में आग लगा देता हूं मैं। उसने जो है वो वहां से सोडियम निकाला कैरोसिन ऑयल से और कागज़ में लपेट के जेब में रख लिया। और मैंने कहा था उसको कैरोसिन में इसलिए रखा जाता है कि ये बाहर आकर के आग पकड़ लेता है, हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन का होता है। जेब में डाला, थोड़ी देर बाद वो गर्म होकर के एकदम से उसने आग पकड़ ली, फिर उसकी आग बुझाई गई जेब की, तो काफ़ी नुकसान उसको उठाना पड़ा। तो ये केमिकल बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए हम ड्राई ईथर यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। वुड्स होगी, फिटिंग होगी, एक तीसरी रिएक्शन जो है इन दोनों को मिला करके बेटा होगी, वो होगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक रिएक्टेंट ले लिया हमने वुड्स में से और एक ले लिया हमने फिटिंग में से, मतलब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एराइल हैलाइड। ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर क्लोरो बेंजीन ले लीजिए और मिथाइल क्लोराइड ले लीजिए, तो वो R डैश बनेगा, बेंजीन के ऊपर एक R लग जाएगा, यानी कि अगर मैं R को CH3 ले लूं और यहां पर R डैश मैंने बेंजीन ले लिया, तो पता क्या प्रोडक्ट बनेगा, R डैश इस तरीके के बनेंगे, लाइक टोलुइन है ना, इथाइल बेंजीन, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा बेटा वुड्स फिटिंग में। एक और ऐसी रिएक्शन है, उसका नाम है उलेमन, शायद इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, ये उलेमन रिएक्शन। उलेमन में क्या होता है, वो बिल्कुल फिटिंग की दूसरी बहन है, बस उसमें जो आपने जो सोडियम मेटल लिया है सोडियम मेटल को हटा देंगे, उसकी जगह पे हम कॉपर यूज करते हैं, तो बाइफिनाइल बनेगा उसमें भी। तो अगर आपने सोडियम हटा करके कॉपर मेटल को आपने यूज कर लिया, तो उसके नाम क्या हो जाएगा, उलेमन। तो चारों रिएक्शन में सिमिलरिटीज हैं, वुड्स फिटिंग एंड उलेमन। एग्जामिनर का ध्यान हमेशा वही होता है जहां एक्सेप्शन है, जहां बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो कंफ्यूज ही तो करते हैं आपको, वो आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो डीपनेस है, जो आपका एनालिसिस करने का तरीका है, एग्जामिनर उसी पे तो चोट करता है, उसी को तो बार बार चोट करता है एग्जामिनर। उसको पता है इस उम्र के बच्चे कहाँ गलती करेंगे, और जो बच्चे गलती नहीं करते उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो एग्जामिनर के तरीके से भी सोच लो, जहां आपका कैटलिस्ट बदल गया प्रोडक्ट बदल जाए, टेम्परेचर बदले प्रोडक्ट बदल जाए, या ऐसी चीज जो एक्सेप्शन हो वहीं से सवाल आएगा। कोई नियम है तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना तो बनता है, जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे वो नियम समझ में नहीं आता। मार्कों ने कहा आपने ऐसा कहा, रट्टा मार लिया, एक रट्टू बच्चा, दूसरा कहता ऐसा क्यों कहा, अगर उसने ऐसा बोला क्यों कहा, मतलब वो उस नियम को समझना चाहता है, वही कामयाब होगा, उसी का सिलेक्शन होगा ATJEE में। मजाक थोड़ी है ATJEE में सिलेक्शन, लेकिन मजाक भी है, अगर आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करते तो मजाक है, नहीं करते तो आपके हाथ से दूर है ना। तो भाई गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पूरा मजा आ रहा होगा आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ने में। मैंने सिर्फ चार कराई हैं, अभी मैं और करा देता हूं फटाफट, चार ये हो गई है। सीरीज होती है जिसे, अब एक सीरीज और लेता हूं मैं, एल्डोल, कैनिजारो, परकिन एंड क्लिजन। तो एल्डोल का नाम उन बच्चों ने सुन लिया होगा जो 12th में हैं, जिसने नहीं सुना है गलती है, सुन लेना चाहिए था। कैनिजारो का सुना होगा, लेकिन परकिन और क्लिजन कंडेंसेशन तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन तरीका एक जैसा है, वो पूछी जाती है एग्जाम में। फटाफट नाम लिखो,
क्या क्या नाम बोला मैंने, अगली जो पांचवी छठी सातवीं आठवीं जो रिएक्शन है वो मैंने नाम दिया आपको बेटा एल्डोल। आज मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूँ, एल्डोल रिएक्शन नाम लिख लूँ पहले, और कैनिजारो रिएक्शन मैंने लिखा, और एक नाम लिखो बेटा परकिन रिएक्शन, और एक नाम लिखो क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये नाम याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। कैनिजारो एल्डोल, एल्डोल इज नॉट नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट, एल्डोल किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अगर मैं एल्डोल को तोड़ देता हूं दो भागों में तो ए एल डी से मिलकर के बनता है एल्डिहाइड, ए एल डी मतलब एल्डिहाइड, और ओल किसका नाम होता है यूपीएससी में, एल्कोहल का, एल्डिहाइड रिएक्शन करेंगे एल्कोहल बनाएंगे, तो डेफिनेशन क्या बोलूं। खास बात जो याद रखने वाली है भाई, ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे कार्बोनाइल, नॉट ओनली एल्डिहाइड, ऐसे कार्बोनाइल, कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी हो सकता है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास में फ्री अल्फा हाइड्रोजन होता है, नोट करिए, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास में फ्री अल्फा हाइड्रोजन होता है वही इस रिएक्शन को देते हैं, और आपस में रिएक्शन करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। देखिए HCHO, अगर मैं इसको लिखूं, ये एल्डिहाइड है ना, लेकिन इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है बेटा CHO, इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा आगे वो अल्फा होगा, तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, ये एल्डोल नहीं देगा। सवाल ऐसे पूछा जाता है, सवाल ऐसे पूछा जाता है C6H5CHO क्या ये एल्डोल देगा। अब आप कहेंगे सर जी ये तो कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, तो मैं जरा एक बार खोल के स्ट्रक्चर लिखूं और आपको बता दूं, आप देखिए इस तरीके से देखिए इस कंपाउंड को, ये है CHO, तो इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा है कि नहीं, लेकिन क्या यहां हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों बिल्कुल आप कमेंट करते रहिए, आज मेरे को कमेंट लेना ही नहीं है, आज मैं कमेंट नहीं ले रहा हूं, बट मैं सबको देख रहा हूं, आज मैंने भी कसम खाई है कि मैं नाम नहीं लूंगा, आज आप मेरा नाम लेंगे, क्योंकि मैं नाराज हूं सच में आपसे, आप ना इनको वायरल ही नहीं करते, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे तो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, कम से कम यार सब्सक्राइब करो, कुछ तो पनिशमेंट देना बनता है ना। ओए कहानी याद आ गई, मेरी आदत है और तुम्हें सुनने की आदत है। 26 जनवरी से पहले हमारे टीचर बोला करते थे भाई नहा के आना 26 जनवरी को, मतलब जैसे हम पहले बिना नहाए जाते हूँ, होता भी था कई बार, ठंड में होती है ना 26 जनवरी, और सुंदर कपड़े पहन के आना, अच्छा जी कपड़े धुलवा के पहन के आना और बैग लेके नहीं आना, ऐसी घोषणाएं होती थी स्कूल में, बड़ा मजा आता था सुन के यार, और फिर टीचर बताते थे लड्डू मिलेंगे, ओए होए होए होए, बस फिर तो मजा आ जाता था, चार लड्डू मिलते थे 26 जनवरी को पैक करके टीचर देता था, और यूनिफॉर्म थी नीली शर्ट और सफेद पजामा, पैंट तो पहनी नहीं, पैंट सिली 9th क्लास में आकर के, वो भी खाकी, सरकारी स्कूलों में होता ना हरियाणा उत्तर प्रदेश में, खाकी पैंट और नीली शर्ट, तो लाइफ में जो पहली पैंट मिली वो यूनिफॉर्म की थी 9th क्लास में, उससे पहले तो पैंट पहनी नहीं थी, पजामा पहनते थे कुर्ता पजामा, तो नीला कुर्ता पहन लो या शर्ट पहन लो और सफेद पाजामा, तो वो बोलते थे प्रेस करा के आना, तो पूरे साल ना हमारे कपड़ों पे प्रेस नहीं होती थी, लेकिन 25 जनवरी को हम चूंकि मास्टर जी ने कहा है और मास्टर जी का कहना हमारी सर आंखों पर होता था, और घर वाले भी मास्टर जी की कही हुई बात को क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते थे, इतना सम्मान तो था इन चीजों को लेकर के, तो भाई पहले दिन जो है बढ़िया से कपड़े धुलवा के दो दो बार धुलवाते थे कपड़ों को, एक बार और मम्मी इनको धो, और फिर प्रेस करा के लेके आते थे, तो ला के ऐसे रख देते थे, इनको छेड़ना नहीं, इनको हिलाना नहीं, अखबार में पैक है, और अगले दिन नहाते भी थे सच में, और फिर जब बंद थन के जब जाते थे ना क्या सेंसर से कम लगते थे, और वहां पर फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, बहुत बच्चे इन्वॉल्व होते थे, स्पीच देते थे, नाटक करते थे, बड़ा मजा आता था यार, 26 जनवरी का वेट रहता था हमें, ये तो भाषण में पता चलता था कि क्यों मनाते हैं, लेकिन उसका महत्व हमारे लिए बस वो सेलिब्रेशन होता था, आज पता है कि उससे कहीं ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है, अब वो सेलिब्रेशन उस तरीके के वो लाइफ में तो नहीं रहे हमारी, आपके शायद होंगे, नहीं हैं तो होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में होनी चाहिए। ये कमर्शियल ब्रेक था आपके लिए, मूड चेंज करने के लिए, अब यहाँ आ जाओ फटाफट।
तो एल्डोल में बेटा मैंने कहा ये एल्डिहाइड नहीं, ये नहीं देगा एल्डोल रिएक्शन, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। और देखिए CH3 ट्राइस CHO ये भी आपको नहीं देगा एल्डोल रिएक्शन, चूंकि इनके पास में तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। आपका नाम लूंगा मैं अगली क्लास में, आज नहीं लूंगा आपका नाम बिल्कुल। कई बार तो बनता है ना थोड़ा सा नाराज होना, आप कोई गलती नहीं कर रहे लेकिन शेयर तो करो यार, कम से कम आपकी क्राउड बढ़ेगी तो मुझे एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं बहुत ज्यादा एनर्जी से पढ़ाने वाला आदमी, बहुत तेज पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा कंटेंट दूंगा आपको, लेकिन इन शर्तों पर बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इतना तो मेरा हक बनता है, इतना तो मैं विरोध जता सकता हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर भी किया करो, बाकी के ग्रुप में जहां जहां आप जुड़े हो शेयर नहीं करोगे तो कौन आएगा। शिक्षा बांटने से बढ़ती है। आपको कितनी सारी चीजें देने का वायदा किया है, फ्री एजुकेशनल टूर, इंडिया का ही नहीं फाइनल हो गया है, लंदन के स्कूल की वीडियो मिला करेंगे आपको लाइव। अब आप सोचिए कैसे स्कूल होते हैं लंदन में, और एक महीने के बाद वहां से लाइव होगा। हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट यूके में है, वहां से लाइव होगा और वहां के स्कूल के बारे में आपको दिखाया करेंगे, वहां का एजुकेशन सिस्टम आपको बताया करेंगे, वहां का कल्चर आपको बताया करेंगे, वहां का एटमॉस्फियर, वहां के लोगों के बारे में जो सुना है और जो हम देखते हैं, और एक ये कहावत कि वहां पर क्या क्या फैसिलिटी है, लोग बाहर जाकर के वापस क्यों नहीं आना चाहते, इसके बारे में भी यार कितना कुछ दे रहे हैं। तो कम से कम इतना तो हक बनता है, हक के साथ ये तो बोल सकते हैं ना, सब्सक्राइब कर लो यार, कर लिया करो, क्योंकि हम देखते हैं कितने लोग आए थे कितने अनसब्सक्राइब थे, सब्सक्राइब करना बनता है। ये नहीं देंगे एल्डोल रिएक्शन, ऐसा कुछ है तो इसमें अगर मैं ये वाला एल्डिहाइड ले लूं CH3CHO प्लस CH3CHO, आज मैं अकेला ही हूं अभी, और बेटा बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है एल्डोल, तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, ये भी हटाओ भाई, ये भी हो गया, तो क्या बनेगा, तो बेस की प्रेजेंस में बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड CH3CHOH CH2CHO, ये बनेगा मेरे बच्चे, ये बनेगा। और इसको अगर हम हीट करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगी अल्फा वाली, H प्लस की प्रेजेंस में हीट कर दिया तो ये OH जाएगा, यहां से H जाएगा। अब यहां पर आपका सेटजेफ रूल लगता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मार्कोनिकाफ की तरह सेटजेफ भी यही कहता है, यहां H हो गया, ये सेटजेफ कहता है कि जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन करते हो एक कार्बन ने OH दे दिया, दूसरे वाले को H देना है, तो कौन सा, ये वाला देगा कि ये वाला देगा, वो कहता है जहां कम हाइड्रोजन है वहीं से हाइड्रोजन निकालना, लेकिन क्वेश्चन मार्क अपने आप लगा लो। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तेरी सारी बात मानते हैं, हम ऑर्गेनिक सीख रहे हैं, और किस दिन तुमने कह दिया होता छत से कूद जाओ ऑर्गेनिक आ जाएगी, तो लगता ना क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों कह रहा है, ये ऐसा इसलिए कह रहा है स्टेबिलिटी की वजह से, ऐसा इसलिए कह रहा है सिमेट्री डेवलप करने के लिए, एंड स्टेबिलिटी आपको मैं मार्कोनिकाफ रूल में बता चुका हूं, ये सेटजेफ रूल है। सेटजेफ रूल कुछ किताब में इसका नाम बेटा जेटसव लिखा हुआ है, जेटसव, ठीक है, ओके, ये हो गया। बहुत सारे कंपाउंड करके देखना, कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके ITJEE में, तो मैंने सिंपल सी चीज बता रहा हूं आपको कि यहां तो आपके इसमें यही मेन कंपाउंड बन रहा है, लेकिन अगर आपने अलग अलग एल्डिहाइड ले लिए CH3CH2CHO प्लस CH3CHO, ये अगर आपने ले लिया तो कितने कंपाउंड आपके बनेंगे, इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है। इसको क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन कहा जाता है इसको, क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन, जब एल्डिहाइड दोनों अलग अलग हो, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हो, एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा कि अपने आप के साथ में रिएक्शन कर ले, एक बनेगा ये अपने आप के साथ में रिएक्शन कर ले, एक बनेगा इसका एनायन इस पर अटैक करे, एक बनेगा इसका एनायन इस पर अटैक करे, चार प्रोडक्ट बन गए हैं मैक्सिमम। मेजर प्रोडक्ट वो होगा कि जब हम इसके एनायन को इस पर अटैक कराएं, और उन बच्चों के समझ में आना स्वाभाविक है कि नहीं आएगा जो मेहनत करके नहीं आए हैं, जो पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हैं। ये वीडियो इस तरीके की आपको याद करने के लिए है कि जब आप पढ़ लें, इस वीडियो को आप यूज कर सकते हैं एग्जाम के नजदीक। जिस बच्चे ने एल्डोल नहीं पढ़ी है, फिर वो रेगुलर कोर्स में एल्डोल पढ़ेगा जहां हम रेगुलरली कराते हैं। आज की स्पेशल क्लास मेरा देने का मन यही था कि मैं क्वेश्चन ना कराऊं, कुछ स्पेशल करा दूं, वही करा रहा हूं आपको, नेम रिएक्शन। तो ये आपकी एल्डोल और क्रोस्ट एल्डोल, मैंने आपको दोनों बता दी, क्रोस्ट में चार बनते हैं लेकिन कई बार चार भी नहीं बन सकते यार, इतनी है ये एल्डोल है ना, मैं दो दिन तक पढ़ाता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि दो दिन चल सकती है, मन ही नहीं करता इसे हटने को।
HCHO, ये नहीं रहेगा एल्डोल, लेकिन इसके साथ में अगर ये हो गया तो काम बन जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक के पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दोनों में से एक के पास में भी अगर अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो इस पे जाके अटैक करेगा, काम हो गया तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये अपने साथ में रिएक्शन करे, इसका एनायन इस पे करे, तो कुल मिलाकर के दो ही प्रोडक्ट बने यहां पर। ठीक है, केनिजारो समझ में आ जाएगी, आसान चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, आसान नहीं है, कभी कभी तो होता है ना, हर चीज हर किसी के लिए नहीं, और पैनिक नहीं, हर चीज हर किसी के लिए नहीं। और एक बात बच्चों, बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूं आपको, बहुत स्ट्रांगली, ये प्यार वाला डांट है जो आपको बोल रहा हूं अभी, कभी भी अच्छे टीचर को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो, ये मत करो सर जी मेरी समझ में नहीं आ, जाओ ग्राउंड पे उतर के पढ़ा दो मुझे, क्यों भाई, किसी को तो आगे बढ़ने दो, उसके जैसा बनो ना, समझ में नहीं आया, उसने अच्छी चीज पढ़ाई है इसलिए नहीं आई, कमजोर वो नहीं आप हैं, आपके समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, पढ़ो, पढ़ ही नहीं थे तो उसको पढ़ लो और फिर अगले दिन फिर करो, ये नहीं कि आप आ जाओ आराम से, स्लो हो जाओ, आ जाओ जी आराम से, मुझे पढ़ा के चलो, मैं तो गड्ढे में पड़ा हुआ हूं, क्यों पढ़ेगा टीचर गड्ढे में, क्यों निकालेगा आपको, आपको खुद निकलना सीखना चाहिए बेटा, इतने अच्छे टीचर आपको पढ़ाते हैं, हम ध्यान रखते हैं उस बच्चे का भी जो गड्ढे में। लेकिन मेरे पापा ने मुझे स्टोरी सुनाई थी कि कबूतर जब बच्चों को उड़ाने लगता है तो उनको चोंच मार के वो घोंसले से गिराता है, वो डरते हैं कि नीचे गिरोगे, जब वो गिरने लगेंगे तब वो पंख खोलते हैं, तब उनको पता चलता है यार ये तो करके उड़ा जाते हैं दो चार, वो फिर घोंसले में चले जाते हैं जैसे तैसे करके। तो मैं कहता था कुछ को तो बिल्ली भी पकड़ लेती है, ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का, वो कहते थे जिनको मरना है ना वो मरेंगे, वो ऐसे बोलते थे, तो शायद उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया और उसी का परिणाम है, गड्ढे से खुद निकलिए, ठीक है, गड्ढे को भरिए, करा रहे हम रेगुलर बैच में लेकर के उस तरीके से, लेकिन यहां तो स्वतंत्रता है, क्यों स्लो करें अपनी स्पीड भाई, कल गणतंत्र दिवस है, इतना तो बनता है। केनिजारो एल्डोल रिएक्शन से हटके है, जो एल्डोल नहीं देता वो केनिजारो रिएक्शन देता है, ध्यान से सुनो, जो एल्डोल नहीं देता वो केनिजारो रिएक्शन देता है। केनिजारो रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, जैसे भाई टू मोलिक्यूल ऑफ HCHO अगर मैं लेता हूं बेस की प्रेजेंस में, तो ये अपने आप को सेल्फ ऑक्सीडाइज भी करेगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा HCOONa, और ये रिड्यूस होकर के अल्कोहल भी बना देगा CH3OH, ये सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। सर जी हिंदी बता दो जी, डिसप्रोपोनेशन की क्या होती है, क्यों बता दे भाई, हिंदी मोबाइल हाथ में डिक्शनरी में डाल लो, ढूंढने से जो चीज मिलेगी वो उस पर तुम्हारा हक है, हर चीज मत पूछा करो, हर चीज मत मांगा करो, ये भिखारी बनना छोड़ना है, क्या बनना है जो मैं बोलता हूं, मोबाइल हाथ में जो कुछ नहीं आता मोबाइल को बोलो, स्पीकर होता है ना गूगल में, गूगल जब खोलते हैं स्पीकर होता है ना, लिखना भी नहीं आता है, उस पर उंगली दबाओ, बोल दो मुझे ये चाहिए, वो बता देगा व्हाट इज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, 10 एग्जांपल देगा आपको, फिर मेरी वीडियो देखो, व्हाट इज केनिजारो रिएक्शन डिटेल में देखो, मेहनत करो खूब, सर जी ने एल्डोल आधी पढ़ाई, शॉर्टकट में तेजी में पढ़ाई, एल्डोल रिएक्शन डालो पूरी पढ़ो, इन हिंदी पूरी पढ़ो, मुझे आपको बहुत कुछ बनाना है, और जो नहीं बनेंगे वो कुछ और बन जाएंगे, मुझे फॉलो करिए, अपने आप को फॉलो मत कराइए, ना ही मैं करूंगा आपको फॉलो, आपको मुझे फॉलो करना चाहिए, ठीक है, आज छोटी सी क्लास कर ले, याद रखना ये पार्ट वन है, ये पार्ट वन है इस सिलसिले का, जो रेगुलर वाला सिलसिला है वो रेगुलर वैसे ही चलेगा जो हम कराते थे, किसी और दिन मेरा दिन आएगा जिस दिन मैं फिर से ऐसे पढ़ाऊंगा और ये कड़ियां आपस में जुड़ जाएंगी। आज ये बता दिया मैंने आपको एल्डोल केनिजारो, परकिन भी बता दूं क्या, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड गिव डेरिवेटिव ऑफ सिनेमिक एसिड, ये होता है परकिन। क्लिजन कंडेंसेशन में टू एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर एंड गिव बीटा कीटो एस्टर, ऐसे दो एस्टर जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है आपस में रिएक्शन करके बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं, उसको बोलते हैं परकिन रिएक्शन। आईआईटी में थोड़ा सा दिल मांगे मोर ये वाला कंसेप्ट काम करता है,
आईआईटी के अंदर, नेट पे ढूंढ के पढ़िए इनको। आज सिर्फ मैं अकेला ही 3 के बराबर, आज मैथ और फिजिक्स वाले सर नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री है ना। चलिए फिर से आपको शुभकामनाएं, मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू वेरी मच।